अगर जीओटी देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि सत्ता के लिए लोग किस स्तर तक जा सकते हैं, और कभी कभी साझी संस्कृति कोई मायने नहीं रखती। अपने भारत में भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां युगों से श्रेष्ठता के पीछे दो प्रांत एक दूसरे से भिड़ने को भी आतुर होते थे, परंतु इसमें हानि केवल राजपूताना क्षेत्र की होती थी। नमस्कार मित्रों, TFI इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की प्रतिद्वंद्विता की, जिसने भारतीय इतिहास को एक अलग ही मोड़ दिया और जिसने कई समय राजपूताना के वर्चस्व को भी प्रभावित किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। वर्तमान राजस्थान का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। वीर भोगे वसुंधरा इनके जीवन का मूल मंत्र है। इसमें भी दो राज्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, मेवाड़ और मारवाड़, जिनका नाम भी आज भी लोग सम्मान से लेते हैं। स्थान के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, गेहूं छोड़ के मक्की खाना, पण मेवाड़ छोड़ कहीं ना जाना। अर्थात परिस्थितियां कैसी भी हो, मेवाड़ को त्यागना किसी पाप से कम ना होगा। इन दोनों प्रांतों की, विशेषकर मारवाड़ की स्थापना कैसे हुई? कहने को इनका नाता प्रतिहार वंश से अधिक था और ये अपने आप को राष्ट्रकूट वंश के वंशज बताते हैं। छठी शताब्दी में मंडोर में एक राजधानी के साथ कुछ प्रतिहारों ने मारवाड़ नामक राज्य स्थापित किया, जो वर्तमान जोधपुर से करीब 9 किलोमीटर दूर प्रतिहार काल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। जोधपुर का शाही राठौर परिवार प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंश से दावा करता है। राष्ट्रकूट वंश के पतन पर वे उत्तर प्रदेश के कन्नौज चले गए। जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और राजपूताना पर संकट आन पड़ा तो राठौर परिवार यहीं स्थानांतरित हुआ। उधर मेवाड़ का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गरिमामयी रहा है। इनके लगभग हर योद्धा पर आप उपन्यास से लेकर फिल्म और वेब सीरीज बना सकते हैं। जब अरबियों ने आक्रमण किया था तो सम्राट नागभट्ट और सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ के साथ मिलकर यहां के सम्राट काल भोजादित्य ने उन्हें छठी का दूध याद दिलाया और तब तक नहीं रुके जब तक अरबी उनके प्रकोप से भाग खड़े नहीं हुए। सम्राट काल भोजादित्य को ही बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने मेवाड़ के प्राथमिक राजवंश गुहिल वंश की स्थापना की। अब गुहिल वंश का अंत रावल रत्न सिंह की पराजय एवं उनकी मृत्यु के साथ हुआ, परंतु उनके कुछ दूर के रिश्तेदार भी थे जो सिसोद ग्राम में रहते थे। इन्हीं में से एक थे अजय सिंह सिसोदिया, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए मेवाड़ के युद्ध में बच गए थे और गंभीर रूप से घायल हुए थे, परंतु उनके मन में कुछ और ही था और वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपने वंश के अंतिम अंश हमीर सिंह को ढूंढ नहीं निकाला। इन्हीं हमीर सिंह ने ना केवल चित्तौड़ के गौरव को पुनर्स्थापित किया अपितु राजपूताना में मेवाड़ की एक अद्वितीय पहचान भी स्थापित की। इन्हीं के नेतृत्व में सन 1336 में समस्त राजपूताना एक हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर राजपूताना को स्वतंत्र कराया गया। कहने को मेवाड़ और मारवाड़ वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। तो ऐसा क्या हुआ जिसके पीछे ये दोनों राज्य एक दूसरे के शत्रु बन गए? जब राणा मोकाल की हत्या हुई तो युवा कुंभ सिंह को उनका राज्य दिलाने में उनके मारवाड़ी काका राव रणमल राठौर ने खूब सहायता की। कुंभ सिंह राणा कुंभ बने और उनके नेतृत्व में मेवाड़ अपने शिखर पर पहुंचा। परंतु जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच काफी भ्रम उत्पन्न हुए और राव रणमल की हत्या कर दी गई। मारवाड़ ने मेवाड़ को इसके लिए दोषी माना और लगभग 2 शताब्दियों तक एक अलग ही प्रकार का गृह युद्ध चला। यह अंतरकलह भी एक कारण था जिसके पीछे महाराणा प्रताप को चाहकर भी वह समर्थन नहीं मिला जिसके बल पर वह मुगलों का संपूर्ण विध्वंस कर सके। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो कुछ भी हुआ वह रोका भी जा सकता था, परंतु ऐसा भी नहीं था कि ये कभी एक ही नहीं हुए थे। शताब्दियों बाद एक ऐसा अवसर आया जब औरंगजेब ने संपूर्ण राजपूताना का इस्लामीकरण कराना चाहा। इसका मेवाड़ और मारवाड़ ने जबरदस्त विरोध किया और उन्होंने औरंगजेब को चुनौती देने की ठान ली। इसका प्रारंभ महाराणा राज सिंह ने किया था, जिन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को मुगलों के चंगुल से छुड़ाकर औरंगजेब को चुनौती दी। उनका साथ आगे चलकर दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धाओं ने दिया, जो मारवाड़ के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक थे। इन्हीं के प्रयासों से राजपूताना ने पुनः अपनी स्वतंत्रता पाई। काश ये एकता पूर्व में आई होती। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जय राम जी की।